अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं जफर खान, जेड नाउ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिमरीज एबीसी फंक्शन हॉल विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद में, जहां पिछले 6-8 महीने से एनएमसी यूनानी प्रोडक्ट के जानिब से डॉक्टर इमाम साहब, जो कि एनएमसी यूनानी प्रोडक्ट के जो आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ में आप बहुत अच्छे एक डॉक्टर भी हैं, और उनकी जानिब से यहाँ एक सेशंस यानी एक कैंप लगाया जा रहा था, जिसमें एक जो थेरेपी चल रही है वो बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग, कई लोग आए हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, पुराने दर्द, नया दर्द, ये सब दर्द लोग यहाँ पर, कई लोग शिफा पाकर गए हैं यहाँ पर। आइए डॉक्टर साहब से हम जानते हैं, उनसे हम कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज आखिरी सेशन था और आखिरी डेट थी आपकी, और आज इस वक्त और शुरू से लेकर अब तक कितने पेशेंट्स आपके पास अटेंड हुए हैं और क्या रिस्पॉन्स मिला है उनसे आपको? माशाल्लाह, आज हमारा लास्ट डे, पांचवा दिन है। तो पहले दिन से कल तक हमारा जो कैंप रात में 12:30-1 बजे, क्योंकि रात में 1:30 बजे ख़त्म हुआ, तो इतनी भीड़ थी कि, और जो लोग 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा अगर वेट कर रहा है तो उसको वापस भी नहीं भेज सकते हम लोग, तो इसलिए उनको पूरा रिकवर किया है। और जो रिस्पॉन्स मिला है माशाल्लाह बहुत खतरनाक, बहुत पावरफुल मिला है, और जो लोगों को समाधान हुआ है वो बहुत अच्छे, क्योंकि जिसको चलने नहीं आ रहा था वो चल के गए, जिसको नमाज नहीं पढ़ने आ रही थी वो नमाज पढ़ के गए माशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपने हैदराबाद के अलावा दूसरे स्टेट्स पे भी, वहाँ पर भी गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को अच्छी तरह से आपकी जानिब से लोगों को जो है ना, कई लोगों को शिफा हासिल हुई है, तो सबसे ज़्यादा आपको ये रिस्पॉन्स कहाँ मिला और सबसे ज़्यादा जहाँ पेशेंट कहाँ पर अटेंड हुए आपको? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमारा परभनी में 8:50 लोगों की भीड़ रहती है। उसके बाद अभी हैदराबाद में भी आज माँ लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पे आने के बाद एक 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल पुराना जो दर्द है वो 10 से 15 मिनट में गायब हो जाता है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी हमने बसवा कल्याण में कैंप लिया, वहाँ पर भी 4 बज गए थे रात में। अच्छा। अभी बिदर में, अभी कल 2 दिन निजामाबाद में, इसके बाद कड़प्पा में 3 दिन का कैंप है, कंटिन्यू ये 20 तारीख तक पूरा लॉक है। इसके दौरान ज़्यादातर आपको पेशेंट्स कौन से मिलते हैं? बड़े बूढ़े लोग होते हैं या फिर नौजवान लोग, या सबके लिए कुछ अलग अलग टाइम होता है, या फिर सबको एक साथ देखा जाता है? कौन ज़्यादा लोग रहते हैं? नहीं, सब मिक्सिंग रहते हैं, जवान लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, मीडियम रहते हैं, क्योंकि परेशानी हर घर घर में दो चार लोग पेशेंट है, परेशान है पेन से, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दे का दर्द, किसी का ऐसा होता है, किसी को ऐसा होता है, किसी को ऊपर नहीं नीचे नहीं, किसी को नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, किसी को चढ़ने नहीं आ रहा, तो अपने पास खाली एक ज़्यादा 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाता पेशेंट विदाउट दवा का। ऐसा भी हुआ है आपके साथ जो कि आपके पास पहले सेशन में आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 सेशंस भी अटेंड किए हैं, ऐसे भी कोई पेशेंट है आपके पास? तो ऐसे हम लोग उनको खास करके बुलाते हैं, तो हमको भी पता चलता कि उसको क्या महसूस हो रहा है, और अगर उसको कुछ पेन बचता है तो सेकंड थेरेपी में, थर्ड थेरेपी में क्लियर हो जाता है। अगर कितना भी भयानक पेन है, पुराना पेन है, 1 से 2 थेरेपी में पूरा क्लियर हो जाता है। कोई साइड इफेक्ट्स अब तक किसी ने ऐसा कुछ बताया अभी तक? नहीं, साइड इफेक्ट का कुछ है नहीं, ना इंजेक्शन है ना गोली है, हाथ से क्लियर हो जा रहा हो। मशीन भी हम लोग उनको पहली थेरेपी 2 मिनट की देते, उनको पहले चलाते, बिठाते, उठाते, वो बोलता है अभी अब मैं फ्री हो गया, फिर उनको एक मशीन से चुप नॉर्मल सेटिंग कर देते, नहीं तो हाथ से 2 मिनट में क्लियर हो जाता है। अभी ये बाजी एक अभी जस्ट गए 2 मिनट, उनको बहुत तकलीफ थी गले में, सिर्फ 2 मिनट में सेटिंग में क्लियर हो गया। अभी एक बाबा कल तो अपने अफजलगंज मस्जिद है ना, वहाँ के सिक्योरिटी आए थे, उनको ऐसा पाँव रखने नहीं आ रहा था माशाल्लाह, तो एक 2 मिनट की सेटिंग दिया मैं तो उसका पूरा जोड़ों का दर्द गायब हो गया। अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों के दर्द तकलीफ दूर होने के बाद हम जग के आपसे सुन रहे हैं। एक बात बताइए, कुछ लोग जो एक्सीडेंट हो जाता है जॉइंट्स में या फिर हड्डियों में, राड वगैरह रखते हैं, टूट जाते करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप थेरेपी करते हैं या फिर वो लोगों के लिए कुछ अलग होता है? ऐसे लोगों को हम लोग सिर्फ मेडिसिन देते हैं, जिसका ऑपरेशन सर्जरी हुआ तो मेडिसिन से क्लियर होता है, क्योंकि अगर हम सेटिंग नहीं भी किया है तो हमारा पूरा मेडिसिन मनी बैक गारंटी का। और माशाल्लाह जैसे रात में जो 2-3 बज रहा है 1 बज रहा है तो क्या है, जब पेशेंट दूर से आते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो हमें भी काम करने का और हमारा पूरे एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि अपने हाथ से कुछ तो अच्छा हो रहा है। अच्छा, आप लोग जो मेडिसिन देते हैं उसके क्या तरीके होते हैं, किस तरह से खाना होता है, किस तरह उसको यूज़ करना होता है, उसके बाद खाने के बाद क्या परहेज होता है उसका? परहेज तो हमारा कोई परहेज नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पूरा यूनानी मेडिसिन है और टोटल आयुष डिपार्टमेंट से प्रमाणित है, GMP क्वालिफाइड और 100% नेचुरल है। हमारे मेडिसिन में अगर कोई केमिकल निकलता है तो हम लोग 10 लाख रुपये बख्शिश रखा है। अभी तक जिसने भी लिए हैं मेडिसिन आपके जानिब से, उन लोगों को शायद हमारे वीडियो के बाद पता चल जाएगा, किसी को अगर नहीं मालूम हुआ तो किस तरह से उसको यूज़ करना है? उसको सिर्फ रात में खाने के बाद यूज़ करना है और सुबह खाने के पहले का यूज़ करना है, और एक एडवांस सिस्टम सेल हमारा है
उसको खाने के बाद यूज़ करना है। अभी आप यहाँ से इसके बाद आपका फिर कहाँ पे है कैंप? अभी इसके बाद दो दिन का निजामाबाद में 22-23, उसके बाद 24 तारीख को लातूर में, 25 तारीख को अंबाजोगाई है, उसके बाद 26-27-28 कड़प्पा में, 29-30 को बसव कल्याण है, 30 तारीख को बिदर में, फिर 1-2-3-4-5 दिन परभनी में, उसके बाद शिरडी, हैदराबाद। फिर कब है वापसी आपकी? और 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा, 5 दिन पुणे में। अच्छा, तो अभी हैदराबाद अपने का नंबर लगेगा डायरेक्ट 20 तारीख के बाद, नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख के बाद नंबर लगेगा। तो 20 तारीख तक लोगों को पूरा इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर शेख इमाम साहब का, यानी मेरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बेचैनी से फिर इंतजार करेंगे ताकि लोगों के जो दर्द और तकलीफ जो बरसों से है, परसों से है या फिर औरसों से है, इन सब के दर्द और तकलीफें बड़े आसानी से दूर हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने दर्द और तकलीफ़ों को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वजह से वो दूर कर दे और आराम पाए, हर कोई ये चाहते हैं। और डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? आखिर में कहेंगे क्योंकि एक पेशेंट हमारे पास बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि उसको सेकेंड डे ऑपरेशन करना था और 7 लाख रुपये पूरा निवेदन हो गया था, डॉक्टर का टाइम फिक्स हो गया था। अच्छा, अम्मा का तो उनको पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर साहब आए पुणे से। अच्छा, तो यहाँ पर चलो क्या होता है, हर इंसान को चाहता है कि चलो एक बार जाके आएंगे, आजमाएंगे, तो माशाल्लाह उसका 7 लाख तो बच गए। ये सब बहुत बहुत खुशी मिली मुझे। तो सेकंड कल यानी 2 दिन पहले आए थे सेकंड अम्मा, वो बहुत दुआ देके गए बहुत, तो अभी पूरा वो वक्र पे चल नहीं पा रहे थे, अभी वक्र पे चलना चालू हुआ, तो बोले वो खुद अंदर से महसूस किया उन्होंने कि हम लोग सेकंड टाइम में वक्र की जरूरत नहीं करेंगे हमको। तो ये 7 लाख तो अभी अम्मा के बच गए, उसके मेरे पास दोनों वीडियो उनके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ नहीं आखिरत के लिए आपने कमा लिया है, वो 7 लाख तो बच गए, लेकिन उनकी जो दुआएं हैं वो आखिर तक आपको काम आएंगे। क्या कहें, अभी कल बहुत दूर से 300 किलोमीटर से दो अम्मा आए थे, एक अम्मा तो गले पकड़ के रोई हो, बहुत रोई उन्होंने, उसका वीडियो बनाया मैंने, यानी खुशी के आंसू, दर्द से यानी उसका 10 साल का दर्द था 10 मिनट में गायब हो गया, तो बहुत उन्होंने गले पकड़ के रोए उन्होंने। बेटा बोले मेरे बहुत परेशान थे मैं, तुमने आप मुझे अच्छा किया। और हमारे पास जो पेशेंट अच्छे हो रहे हैं उनके पूरे रिश्तेदार घर के लोग वो रिटर्न बाहर आ रहे थे, इसलिए गर्दी बढ़ते जा रही है यहाँ पे। आखिर में आप हमारे जो पेशेंट्स अब तक आपके पास जो अटेंड हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आप उनसे क्या बताएंगे? माशाल्लाह जो भी अपने पेशेंट आज तक जितने भी पेशेंट यहाँ पर आए उन्होंने एक विश्वास कि चलो शेख इमाम साहब आए पुणे से, और उन्होंने विश्वास रख के मेरे पास आने के बाद माशाल्लाह वो तो दर्द से आज़ाद हो गए। तो एक ही मैं आप पूरे आम को एक संदेश दूंगा कि जो भी घर में देख के परेशान है घर पे, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और कोई भी बॉडी पेन कोई भी होने दो, जो घर पे देख रहे और सोच रहे कि भाई 5-10 मिनट में कैसा होगा, तो माशाल्लाह उन्होंने एक बार जरूर अपने ABC जिब्रील हॉल में आके डॉक्टर शेख सैया ने मुझे मिले, माशाल्लाह उसका पूरा लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं इंशाल्लाह जरूर। तो आप लोग भी याद रखिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंथ 20 तारीख तक इंशाल्लाह फिर डॉक्टर शेख इमाम साहब यहाँ पर आपके पास आएंगे, NMC के जो आप यूनानी NMC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, आप फिर उनसे जब फिर आपसे मुलाकात हो सकती है और आपके दर्द और तकलीफ शायद आप दूर कर सकते हैं। तो इमाम साहब से मिलने के लिए ज़िमरिस ABC फंक्शन हॉल विजयनगर कॉलोनी नामपल्ली हैदराबाद ज़रूर आइए आप। और इसी तरह के प्रोग्राम न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल ZNOW TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। सीनियर कैमरामैन एंड रिपोर्टर रहमत के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट जफर खान, दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ZNOW TV, यही सच है।